आज की हमारी जो वर्कशीट है 19 है, क्लास है 10th, और सब्जेक्ट है साइंस, और आज की डेट है 18/8/2021, 18 अगस्त 2021। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो अम्ल, क्षारक और लवण की है। पिछले क्लास में मैंने आपको अम्ल में और क्षार में फ़र्क समझाया था कि अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, मतलब लाल रंग बनाते हैं लिटमस का, और जो क्षार होते हैं वो नीला करते हैं, ठीक है। और अम्ल और क्षार को मिलाकर लवण बनता है, हमने इसके बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, गूगल मीट पे भी मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी थी, और जो बच्चे क्लास में प्रैक्टिकल्स में आए थे उनको ये वैसे ही पता चल गया था, ठीक है। तो उसी को आगे करते हुए करते हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। अगर अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया की जाए, अम्ल मतलब एसिड की, जैसे कि H2SO4 जो है एसिड है और धातु जो है वो जिंक है, अगर हमारी इसके साथ प्रक्रिया किया जाए तो क्या होता है, हमारे पास बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होती है। हाइड्रोजन गैस की जो निकली है, नहीं निकली, अब जैसे बबल्स निकले हैं, आप कहोगे कि मैम ये कौन सी गैस है, हमें कैसे पता चलेगा, हम माचिस की तीली लेंगे और इसको यहाँ पर जलाएंगे तो पॉप की साउंड आएगी, वो जो पॉप की साउंड है वो हमें बताएगी कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस है। तो अब आपको ये बात पता चल गई कि अम्ल को जब हम लोग किसी भी धातु के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो जलती मोमबत्ती द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच करने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। नाइट्रिक अम्ल मैग्नीशियम और मैंगनीज के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता, मतलब HCl गैस जो है वो भी हाइड्रोजन गैस देती है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2SO4 से भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जो नाइट्रिक अम्ल है वो मैग्नीशियम और मैंगनीज के अतिरिक्त और भी किसी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देती, इनके साथ हाइड्रोजन गैस देती है, ये एक्सेप्शन है, कई बार एक नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारी जो है वो है अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करती है, मतलब जब कोई धातु किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमें लवण मिलता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जितनी अधिक क्रियाशील धातु होती है, मतलब ये वाली धातु जितनी अधिक क्रियाशील होगी, जितनी ज़्यादा एक्टिव होगी, उतना ही रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, ठीक है। कम अभिक्रियाशील धातु जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया या मरकरी हो गया, वो कोई अभिक्रिया नहीं देती, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि जो ज़्यादा रिएक्टिव धातुएँ होती हैं, ज़्यादा क्रियाशील धातुएँ होती हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये रिएक्ट करती हैं अम्ल के साथ और एकदम तेज़ रिएक्शन होता है, और क्या मिलता है हम लोगों को, हाइड्रोजन गैस मिलती है और साथ में लवण मिलता है, ठीक है। अब है क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। सपोज़ हम लोगों ने अम्ल की जगह क्षारक ले लिया और धातु के साथ मिलाया, तो हमारे पास प्रबल क्षारक क्रियाशील धातु के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस ही निकालते हैं। तो आपको एक बात पता चली कि अम्ल हो या फिर क्षार हो, अगर वो धातुओं के साथ रिएक्ट करते हैं और धातु जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों में हमारे पास क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण निकलता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद करना है कि जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो जिंक है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम जिंकेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस लिब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब है अम्ल की धात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखिए, अगर एक हमने अम्ल लिया है, अम्ल मतलब जैसे HCl लिया है, उसको हमने रिएक्ट कराया है धात्विक ऑक्साइड, मतलब धातु के साथ ऑक्सीजन के साथ में, धात्विक ऑक्साइड हो गया वो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, ठीक है। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ, मतलब जो क्षारीय ऑक्साइड है, अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो हमारे पास ये क्या चीज़ हो गई कि धात्विक ऑक्साइड और अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल। समझ आ गया सबको कि धात्विक ऑक्साइड मतलब मेटालिक ऑक्साइड, धातु भी है और ऑक्सीजन भी है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, धात्विक ऑक्साइड। और इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, अम्ल के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया, लवण और जल। अच्छा, अगर ये अधात्विक ऑक्साइड है, अगर हमारे पास ये अधात्विक ऑक्साइड है और इसके साथ हम लोगों ने क्या करा है, क्षार को रिएक्ट करवाया है, तो भी हमारे पास क्या बनेगा, लवण तथा जल। तो मतलब अधात्विक ऑक्साइड और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण तथा जल, और यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड और अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, लवण तथा जल, दोनों में एक जैसी लवण तथा जल बनता है। ये रिएक्शंस आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे, बट अगर आपको समझ आ रहे हैं
तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो धात्विक ऑक्साइड है, मेटैलिक ऑक्साइड है, वो क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। और जो कि अधात्विक ऑक्साइड है वो भी क्या बनाते हैं? अम्ल तथा जल, लवण तथा जल। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन आंसर्स देते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। आइए अभ्यास करें। आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। तो मैं आपको जैसे ही बता देती हूँ, ये जैसे आयरन है उसको हमने किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करना है। तो ये हमारे साथ क्या बन जाएगा? FeCl3, और हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा है इन्होंने कैल्शियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को भी बेटा अगर हम करेंगे तो मैग्नीशियम को जैसे सपोज हम H2SO4 के साथ करते हैं, तो जैसे मैंने पहले ही बताया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर यही मैग्नीशियम अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये MgCl2 बन जाएगा और साथ में H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, सेम रिएक्शंस हैं इसमें। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम का हो जाएगा। कैल्शियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेंगे, कैल्शियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा CaCl2+H2। ठीक है जी, और अगर कैल्शियम को हम H2SO4 के साथ करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट जमा H2 गैस। ये सारे करवा दिया मैंने, तो अब आप कर लीजिएगा। फिर है कि कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? अगर हम कॉपर को नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं तो अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था नाइट्रिक अम्ल जो है सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करता है और किसी के साथ नहीं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा? इस रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखिए। तो यहाँ पे जहाँ आपने जिंक लिखा था ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? एल्यूमिनियम लिख देंगे और ये हमारा बन जाएगा Na2Al(O)2+ हाइड्रोजन गैस, ये हमारा निकल आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं? देखो जी, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं ये हम ऐसे बता सकते हैं कि जब हम उसका लिटमस टेस्ट करेंगे तो वो लाल रंग को क्या कर देगा? नीला। लाल रंग को क्या कर देगा? नीला। अगर नीला हो जाए तो इसका मतलब वो क्षारीय प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कभी गौर किया कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती? क्योंकि अचार को धातु के बर्तन में रखने से उसमें रिएक्शन हो जाता है और वो अचार ख़राब भी हो जाता है। अगर आप धातु के उसमें रखेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे सपोज़ अगर आपने एल्यूमिनियम के बर्तन पर रख दिया, तो अम्ल को एल्यूमिनियम के बर्तन में रखेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा ना, तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए हमारी जो माएँ हैं वो क्या करती हैं? मिट्टी के बर्तन में रख देती हैं। मिट्टी का मर्तबान जो होता है उसके अंदर अचार स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। ओके।